उतला बटन जो है रोकने वास्ते एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 की तीसरा पार्ट है। तो ये देखें अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। सबसे पहले जो जिस तरीके से भी सवाल को हल करना हो आपने सवाल को म्यारी फॉर्म में लाना होता है, दो दर्जी मसावात को म्यारी फॉर्म में, और वो देखें ये होती है म्यारी फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली रकम और बगैर एक्स के कांस्टेंट, और उसके बाद बराबर के बाद 0। इस मसावात को आप इस शक्ल में लाएं तो सबसे पहले ये देखें एक्स स्क्वायर तो पहले इसी साइड पर है, तो ये अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर ठीक है। उसके बाद एक्स वाली रकम ये भी यहाँ पे ठीक है प्लस एक्स, और उसके बाद कांस्टेंट यानी बगैर एक्स के जो रकम है वो 4 अंडर रूट 3 है, ये भी आपने इसी साइड पर ले आनी है। तो ये प्लस है तो इस साइड पर आके 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और बराबर के बाद देखिए इस साइड से लेकर आए हम तो ये बराबर 0 रह जाएगा क्योंकि कोई रकम आप उस साइड पर नहीं रही। आप जरा गौर करें तो ये सवाल जो है म्यारी फॉर्म में आ चुका है। अब आप गौर करें कि आपने क्या करना है, किस तरीके से सवाल को हल करना है। आपने दो दर्जी फार्मूला के इस्तेमाल से सवाल को हल करना है। तो दो दर्जी फार्मूला में आपको पता है कि पहले ये जो एक्स स्क्वायर के साथ रकम होती है ये इसको हम बोलते हैं ए, जो एक्स के साथ दिशा होता है उसको बोलते हैं बी, और जो बगैर एक्स के होता है वो स्क्वायर उसको सी। तो ये ए बी सी कीमतें निकालें। ए क्या हो गया, ये देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ये अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3। और उसके बाद बी एक्स से पहले जो अतिसार है वो क्या है, इधर कुछ भी ना हो तो एक होता है एक, और उसके बाद बगैर एक्स के वो क्या है सी, सी क्या है मनफी 4 अंडर रूट 3। आप बेटा सबसे पहले आपने कुनिया लगाना है, कुनिया देखें क्या कुनिया है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी। अब ये जगह देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और बटा जब लगाना है तो ये जरा तवज्जो से बटा सारी रकम के नीचे बटा लगाना है, बटा 2 ए, ये कुड़िया है बद्रिया कुड़िया, आपने हल करना है तो ये बद्रिया कुड़िया, इसके अंदर आपने कीमतें लगा देनी है। देखें अब ये मनफी है, देखें तो मनफी इधर कुड़िया लगाते वक्त याद रहे कि ये नजर आना चाहिए, ये नफी, और उसके बाद ये बी, बी की कीमत क्या है एक, ये कीमत लगा दी प्लस माइनस। अब ये बी स्क्वेयर की कीमत देखें ये एक का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए, ए की कीमत फिर देखें ये अंडर रूट 3, और सी ए सी, सी क्या है देखें जरा नफी 4 अंडर रूट 3, ये साथ मनफी वाली लामत नजर आए ये ध्यान से, बटा 2 ए, ये देखें 2 इंटू ए की कीमत, ए की कीमत क्या है अंडर रूट 3। अब ये कीमतें जरा फिर तवज्जो से, नफी एक और ये अंडर रूट, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अंडर रूट है बी स्क्वायर जो कीमतें आपने सॉरी ये देखो, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 ए और ये उसकी कीमत है सी, तो ये मनफी एक प्लस माइनस। अब ये एक का स्क्वायर एक का एक से जरा दें तो एक ही होता है माइनस, ये देखें माइनस माइनस प्लस, और ये देखें 4 को 4 से जरा देंगे 4 4 बार 16 जरब 3 अंडर रूट जरब 3 अंडर रूट, सिर्फ 3 रह जाएगा क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर ये भी बनता है, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और ऊपर ये यहाँ से लेकर ये देखें जरा यहाँ तक ये जजर है बटा उसी तरह ये 2 अंडर रूट 3। आप जरा देखें ये एक्स बराबर उसी तरीके से, सबसे पहले ये नफी एक है ये देखें उसी तरह लगा दिया प्लस माइनस, अब ये एक प्लस 16 तरफ 3 कितना, 16 3 बार कितना है 48, तो ये 48 लिख दिया, और ऊपर उसी तरह जजर बटे में ये देखें 2 अंडर रूट 3। एक्स बराबर नफी एक जमा मनफी, और इनको जमा करें 48 और 1 49 अंडर रूट बटा 2 अंडर रूट 3। आप फिर जरा तवज्जो से देखें ये नफी एक प्लस माइनस, और 49 का जजर क्या होता है बटा 2 अंडर रूट 3।
आप ये देखिए, एक दफा आपने प्लस लिखना है, एक दफा माइनस, ये दो है रकमें, तो लिखें एक दफा प्लस 2√3 और ये लाइन लगा लें एक दफा माइनस के लिए भी, दो वैल्यू है −1 −7/√3। आप देखें ये −1 और 7 बड़ी रकम की लामत लगाते हैं और ये मुख्तलिफ लामते हैं, तफरी करेंगे 7 में से 1 बाकी 6 6/√3 2 × 1 = 2 तो 3 आ गया 3√3, ये नीचे भी √3। उसके बाद ये देखें दूसरा −8/√3 ये 4 आ गया। आप जरा तवज्जो से यहाँ पे देखें, ये −4/√3 है, ये तो बेशक इधर तक भी छोड़ दें और ये यहाँ तक भी आपका स्वाद हल हो गया, लेकिन आप तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि नीचे से जो मखरज होता है वो हमेशा बगैर जजर के होना चाहिए। तो इसके खत्म करने का क्या तरीका है कि √3 से ऊपर भी और नीचे भी जरब देते हैं। पहले इसको हल करें, ये देखें x = 3/√3 है, ऊपर के √3 से जरब दे रहे, नीचे के √3 से, तो क्या आ गया, ऊपर आ गया 3√3 और नीचे सिर्फ √3 और √3 का, ये सिर्फ √3 आ गया, क्योंकि √3 का स्केयर बन जाता है जजर का, तो ये जजर से स्केयर कट गया, सिर्फ 3 रह गया, तो ये 3 से कट गया, √3 आ गया। और दूसरा एक्स ये देखें, ये इसी तरह रहेगा, तो आप इन दोनों को इकट्ठा करके हमने हर सेट में लिखना है, तो आर सेट लफर लिख के आपने ये दोनों जो आप लिख देने हैं, एक तो ये हो गया, और इसको भी करना चाहें तो आप ये √3/√3 तो ये हो जाएगा −4/√3 ये सिर्फ बटे में 3, अगर इस तरह लिखना चाहें तो ये लिख लेना 4√3/3 इस तरह, इसके गिरदर आपने ये सेट का निशान लगा देना बेटा, इस तरह ये सवाल मुकम्मल कर लेना।